शेष के लोगों ने हरियाणा जलाया, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, सारे मुकदमे वापस हो गए। अभी राजस्थान के अंदर पटरी उखाड़ी हमारे समाज के कुछ दूसरे जो ओबीसी के समाज के लोग थे और उन पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और अनुसूचित जाति के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने कुछ नहीं किया और उसके बाद भी उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये तो लगता है कि बड़ी जायजती है और सरकार से यही हमारी उम्मीद है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल से रिहा करें और जो दमन का चक्र चल रहा है उसको सरकार वापस करे और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास की बात करें। घटना हुई है जिसमें वो लड़के मारे गए हैं, उनके लिए सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? हमने उसके लिए सीधी अपील की कि सरकार उन्हें कंपनसेशन दे, उनके परिवार को नौकरी दे और जो राज्य और केंद्र सरकार के प्रावधान है वो कंपनसेशन उसके तहत दे। अभी तक सरकार ने कोई घोषणा तक नहीं की है। सरकार अपना काम करे, लेकिन समाज ने ये तय किया है कि कल जस्टिस के जी बालकृष्ण के देखरेख में एक डॉक्टर मेडिकल ट्रस्ट बनाया जा रहा है। उस ट्रस्ट के माध्यम से सभी जो मृतक परिवार हैं उनके परिवारों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहयोग इनिशियली रूप से समाज की तरफ से दी जाएगी बहुत जल्दी।